सोमवार को राजघाट इंस्पेक्टर की पिटाई से आहत युवक सुनील कुमार पासवान ने मंगलवार को एडीजी जोन अखिल कुमार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सोमवार को रेती चौराहे से घंटा घर की तरफ जाने वाले बाएं तरफ दुकान पर खड़ी स्कूटी के बारे में एसएचओ राजघाट विनय कुमार सरोज ने युवक से पूछा तो युवक ने अपनी स्कूटी होने से मना कर दिया, जिस पर नाराज होकर इंस्पेक्टर राजघाट ने युवक की पिटाई कर दी तथा विरोध करने पर युवक को थाने ले जाकर धारा 151 में चलान कर दिया, जिसके संबंध में पीड़ित युवक सुनील कुमार पासवान ने बताया कि सड़क पर खड़ी स्कूटी मेरी नहीं थी, जिसके बाद भी इंस्पेक्टर ने मेरी पिटाई की तथा थाने ले जाकर एक सिपाही के द्वारा बेइज्जत किया और मेरा चलान भी कर दिया। उन्होंने कहा एडीजी जोन से मांग किया है कि इंस्पेक्टर तथा सिपाही के खिलाफ जांच कर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे हमको न्याय मिल सके। वहीं एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है तथा वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसपी सिटी सोनम कुमार ने भी बताया कि वायरल वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है तथा जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित युवक सुनील कुमार पासवान, एसपी सिटी सोनम कुमार तथा एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा ये बदतमीजी कर रहा है। ¡Vamos!
सुनील कुमार पासवान। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम यहीं मैत्रीपुरम बिछिया के रहने वाले हैं। कल जैसे हम अपने दोस्त के बहन के तिलक की शॉपिंग के लिए गए थे, वहाँ पे अनारकली रेती चौराहे पे दुकान है अनारकली, जहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी एकदम दुकान से सटे ही खड़ी की थी। उसके बाद हमारे बाद भी एक गाड़ी थी जुपिटर, जिसको क्या बोलते हैं जाम लगने की वजह से उसको हटवाया जा रहा था। जो हमारी गाड़ी नहीं थी तो हम हटाने के लिए नहीं गए। उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थाना राजघाट, विनय कुमार सरोज जी, और उनने पूछा कि मेरे दोस्त गया बाहर कि ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी किसकी है, तुम्हारी ये गाड़ी, उसको बुलाएं, और उसको 5-7 थप्पड़ मार दिए बेवजह, किसी कोई बात नहीं कुछ नहीं मार दिए, बोल रहे हैं भागो यहाँ से चले जाओ। वो बोला कि हमारी गाड़ी आगे खड़ी है। उसके बाद हमको बुलाएं, हम कहें कि हमारी गाड़ी जो है खड़ी है लेकिन हम किनारे किनारे कर दे रहे हैं, तो कहें ठीक है किनारे करो। उसके बाद जैसे हम किनारे करने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ें, हमको पीछे से मारने लगे और एकदम थप्पड़ लात घुसा जो भी बन पा रहा था उनसे वो मार रहे थे। बारिश हो रहा था, हम भीग रहे थे और गाड़ी हटा रहे थे। जब वो मारने लगे तो हम गाड़ी छोड़ के खड़े हो गए, तो उस पर हमको और मारे, और ये सब मार खाने के बाद हमको अपने लोगों के सामने मारे, जिससे हमको बहुत बुरा लगा। तो हम अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके हम इंस्पेक्टर साहब से आए, हमको बुरा लगा था, हम पूछें कि क्यों हमको मारा गया, क्या हमारा कसूर था, इतना पूछें। तो इंस्पेक्टर साहब को ये बात नागवार गुजरी कि हमसे कैसे ये पूछ रहा है ये। तो इस पर वो बोले गाड़ी मंगाओ, और फिर वहीं पर खींचातानी होने लगा पूरा, हमको वहीं तो पानी में गिराए, और फिर बगल की दुकान में जहाँ कैमरा नहीं था वहाँ ले जाके लाठी डंडे से मारे हमको। और उसके बाद जी उसके बाद हमको गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाएं, फिर थाने ले गए, और क्या बोलते हैं फिर उसके बाद हमारा 151 में शाम को चालान कर दिया गया। मैं इस बात से बहुत क्षुब्ध महसूस कर रहा हूँ। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? कि उनके विनय कुमार सरोज और दिलीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, और उनको सबक सिखाया जाए कि हाँ ऐसा जनता के साथ करना उचित नहीं है। बेकसूर जनता आपका मार खाने के लिए नहीं गई है वहाँ पे। थाना राजघाट क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाजार में एक युवक के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा दलप्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जाँच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह दलप्रयोग किया गया है। जाँच की कार्रवाई पूरी होने के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अभी मेरे पास ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रकरण में
मैं इससे मिलने से पूर्व ये वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया था और एसएसपी साहब को भेज दिया गया था। आप चूंकि ये प्रार्थना पत्र भी मिला है मुझे, तो इस पर मैंने उनसे जांच करा के कार्रवाई करने के लिए कहा गया और उनसे लिखित आख्या भी मान लीजिए।